दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। हमीरपुर जिला की तहसील सुजानपुर के कसीरी गांव की महिला ने कुछ लोगों पर उसकी गौशाला को हथियाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को सौंपी है। महिला ने शिकायत में बताया है कि वह घर पर अकेली रहती है। 11 जुलाई को सुनीता देवी उसकी बहू शिल्पा देवर देशराज शर्मा ने उसके साथ मारपीट की। उसी समय मेरा भतीजा कविराज शर्मा वहां पर आ गया और उसके आते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी छोड़ दी। महिला ने बताया कि उस समय मेरा भतीजा समय पर नहीं आता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। महिला ने बताया कि उसे जान का खतरा बना हुआ है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। और नीचे पी दिया वो जो मेरा भतीजा ऊपर से आया वो जो जिया जो आया जिया उन्होंने छोड़ दिया। आधार को फोन किया और उन्होंने बोला अपनी कमेटी को बुलाओ पर वो भी नहीं आया। उस टाइम कमेटी वाले को बुलाओ बोलते पर्ची कटो। उस टाइम मेरे को पता नहीं था पर्ची कटते। पर जब मैं हॉस्पिटल इधर आ गई थाने में आ गई उधर मेरे को उधर बताया भाई मेरे को मारा उन्होंने और मेडिकल बनाने लेके गए हॉस्पिटल में। तो उधर मेडिकल हुआ एक्सरे हुआ और अल्ट्रासाउंड भी हुआ मेरा दो चीज़ें हुई। सीटी स्कैन को बोला मंडी जाना पड़ेगा। मैं इतने दूर जा ही नहीं सकती घर से मैं जा नहीं पा सकती थी और मेरी एक गाय थी मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी कहीं भी। तो मैं मना किया मैं नहीं जा सकती उधर। बस फिर उसके बाद मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उधर मैं मतलब मेरे को चार आदमी ने ऐसे ऐसे मारीचा आया ऊपर से उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। उन्होंने कार्रवाई करेंगे सब कुछ होएगा मेडिकल भी होएगा सब कुछ होएगा। बता जो मेडिकल पहले होया वही मिलेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।